बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जब जिस दिन प्रकट हुए उस दिन वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी थी और संध्या का समय था, जैसा कि उस राक्षस ने वरदान मांगा था। अब वो प्रह्लाद जी को मारने के लिए चला और प्रह्लाद जी को कहने लगा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रह्लाद जी कहने लगे कि भगवान पिताजी कहाँ नहीं है, जहाँ देखो वहीं भगवान है, कण कण में भगवान है, ये सृष्टि ही भगवान की रची हुई है और भगवान स्वयं ही बने हैं जो भी बने हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप जिस ओर इशारा करें तो प्रह्लाद जी कहे हाँ इसमें भी भगवान है, और सभी चीज़ों को वो बार बार तोड़ता चले। और वहाँ पे एक महल में जैसे खंभे होते हैं, खंभे के नीचे उसने आग लगाई, उस लोहे के खंभे को गर्म किया और बोला कि जाओ इसको पकड़ लो, अगर तुम्हारा भगवान इसमें भी है तो अपने भगवान को पकड़ लो। तो प्रह्लाद जी ने देखा कि उसमें एक चींटी चल रही थी, तो भगवान प्रह्लाद जी को विश्वास तो था ही पहले ही, तो भगवान ने जैसे प्रह्लाद जी उस चींटी को उस खंभे को पकड़ने लगे, जैसे गले से लगाया, वो गर्म लोहे का जो खंभ था वो ठंडा हो गया। जैसे वो ठंडा हुआ और उसके बाद वो थंब जो है वो उसका विध्वंस वो फटा और उसमें से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उस राक्षस का वध किया और अपने भक्तों का उद्धार किया। तब से ये शुक्ल चतुर्दशी वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी को ये महोत्सव भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है।